हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के दूसरे टॉपिक के बारे में। वो है आपका जीनो डायोड। द जीनो डायोड क्या होता है, ये इसे किस तरह से यूज करते हैं, किस तरह रिवर्स बायसिंग में काम करता है और ये फॉरवर्ड बायसिंग में काम करता है कि नहीं करता, ये भी देखेंगे। तो सब कुछ पूरे डिटेल में हम लोग देखेंगे आज जीनर डायोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जीनर डायोड। जीनर डायोड, तो जीनर डायोड क्या है चलिए देखते हैं। तो एक नॉर्मल डायोड जो होता है वो फॉरवर्ड बैंड बायसिंग में ही सिर्फ काम करता है। नॉर्मल डायोड एक यूनिलैटरल एलिमेंट होता है जिसमें कि नॉर्मली वो फॉरवर्ड बैंड बायसिंग में काम करता है। लेकिन यदि हम बात करें जीनर डायोड का, तो इसमें रिवर्स करंट भी कंडक्ट होते हैं, मतलब इसमें रिवर्स बायसिंग पे ये काम करता है और इससे वैल्यूएबल और एक मेजरेबल करंट को देखा जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं कि क्या है इसके पीछे पूरा प्रिंसिपल। तो सबसे पहले जीनर डायोड जो बनता है वो एक सेमीकंडक्टर डिवाइस से बनता है जिसे हेविली डोप्ड किया जाता है। जो हेविली डोप्ड सेमीकंडक्टर डिवाइस है मतलब क्या, इसमें इम्प्यूरिटी मिलाया जाता है जिसके कारण इसमें कंडक्टिविटी बढ़े। तो जीनर डायोड जो बनते हैं वो बनते हैं, जीनर डायोड इज हेविली डोप्ड सेमीकंडक्टर डिवाइस। ये हेविली डोप्ड सेमीकंडक्टर डिवाइस है जहाँ इम्प्यूरिटीज, जो वांटेड इम्प्यूरिटीज़ है डायोड के लिए, वो ज़्यादा इसमें मिला जाता है ताकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ़ आइटम्स अच्छे अमाउंट में मिल सके, और इसीलिए इसे हेविली डोप्ड किया जाता है टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द जीनर डायोड दैट इज़ डिज़ाइन टू ऑपरेट इन द रिवर्स डायरेक्शन। और इस तरह इसे डिज़ाइन किया जाता है ताकि ये रिवर्स डायरेक्शन में प्रॉपरली काम कर सके। तो ये यहाँ पर एक प्रिंसिपल है। अब यदि हमारे पास जीनर डायोड है और उसे रिवर्स बायसिंग में हमें उसे करंट को मेजर करना है, एक वैल्यूएबल अमाउंट ऑफ करंट चाहिए, तो अब क्या किया जाता है, इसमें एक लगातार वोल्टेज सप्लाई किया जाता है जीनर डायोड पर। लगातार वोल्टेज को इंक्रीज कराया जाता है, जैसे कि लगातार वोल्टेज को इंक्रीज कराया जाता है एक जीनर डायोड में, और वो वोल्टेज का अमाउंट इंक्रीज होता है, और इंक्रीज होते होते वो एक इस तरह के पॉइंट पे पहुंचता है जहां पर अचानक से करंट रिवर्स बायसिंग में अचानक से करंट एक ड्रास्टिक चेंज होता है करंट में, और करंट में तेज़ी से इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। और ये इंक्रीमेंट के ये इंक्रीमेंट क्यों होता है करंट में, इसके पीछे क्या लॉजिक है वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए, लेकिन इसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जीनर डायोड में, कि जो जीनर डायोड बनाया जाता है वो हेविली डोप्ड होता है, और दूसरी बात यहाँ पर करंट को लगातार इंक्रीमेंट कराया जाता है और एक ऐसे पॉइंट पर वो जाता है, इसे थ्रेशहोल्ड पॉइंट बोलते हैं या जीनर वोल्टेज बोलते हैं। तो उस एक ब्रेक डाउन वोल्टेज मिलता है, और उस ब्रेक डाउन वोल्टेज पर करंट हमें ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है, करंट में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो चलिए, क्या है इसके पीछे, पहले सबसे पहले मैं देख लेते हैं इसका सिंबल कुछ इस तरह से है। इसका सिंबल कुछ इस तरह से, इस तरह के सिंबल का जीनर डायोड होता है। किसी किसी बुक में आपको इसके सिंबल डिफरेंट भी हो सकते हैं, किसी किसी बुक में जो सिंबल होगा वो जेड इस तरह के, इस तरह से सिंबल आपको देखने को मिलेगा। तो अलग अलग बुक में अलग अलग तरह के सिंबल है, लेकिन बेसिक सिंबल इसका यही है। और यदि फिजिकली देखा जाए तो जीनर डायोड कुछ इस तरह के दिखते हैं, जीनर डायोड जो रिवर्स बायसिंग पे काम होता है, इस पे रिवर्स कंडक्शन ऑफ करंट को देखा जा सकता है। तो जीनर डायोड का एक्सप्लेनेशन कुछ यहाँ दिया गया है, तो देखिए क्या है एक्सप्लेनेशन। जीनर डायोड आल्सो नोन एज ब्रेक डाउन डायोड, जीनर डायोड को एक ब्रेक डाउन डायोड भी कहते हैं। अब ब्रेक डाउन क्या है, ब्रेक डाउन एक ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है, इसे जीनर वोल्टेज या एवलेंच ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं। उस वोल्टेज पर यह डायोड प्रॉपरली काम करता है जहां से हम इसमें करंट फ्लो देख सकते हैं, एक वैल्यूएबल अमाउंट ऑफ करंट को देखा जा सकता है इस ब्रेक डाउन पॉइंट पर, एक ब्रेक डाउन वोल्टेज पर, इसलिए इसे ब्रेक डाउन डायोड कहते हैं। इस हैविली डोप्ड सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट डिज़ाइन टू ऑपरेट इन द रिवर्स डायरेक्शन व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द जीनर डायोड इज रिवर्स एंड पोटेंशियल रीच द जीनर वोल्टेज। तो जैसा कि जब कोई वोल्टेज को, जब वोल्टेज को हम इंक्रीमेंट करते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते हैं इनपुट साइड में, तो क्या होता है, एक ऐसा वोल्टेज मिलता है इंक्रीमेंट के बाद, इंक्रीमेंट करते करते एक ऐसा वोल्टेज मिलता है जिस वोल्टेज पर कंडक्शन शुरू हो जाता है जीनर डायोड में, उस वोल्टेज को बोलते हैं जीनर वोल्टेज, इसे नी वोल्टेज भी कहते हैं।
द जैक्सन ब्रेक डाउन एंड द करेंट फ्लो इन द रिवर्स जैक्सन। और जो डायोड बनते हैं वो एक सेमीकंडक्टर से बनते हैं, इसमें पी टाइप और एन टाइप का सेमीकंडक्टर होता है, और ये जो जंक्शन होता है, ये जंक्शन ब्लॉकेज क्लियर करता है, ब्लॉकेज क्रिएट करता है, मतलब करंट को फ्लो होने से रोकता है। तो जो वोल्टेज है, वोल्टेज यदि हम इंक्रीमेंट करते हैं तो ये जो जंक्शन है, ये जो पी एन जंक्शन है, इसी यही जंक्शन पी एन जंक्शन को ब्रेक किया जाता है। ब्रेक होता है कैसे, जब हम इस पर जीनर वोल्टेज अप्लाई करते हैं। जब जीनर वोल्टेज पर हम पहुँचते हैं इंक्रीमेंट करते करते, तो एक वोल्टेज मिलता है जीनर वोल्टेज, जिस वोल्टेज पर पीएन जंक्शन ब्रेक होता है। और जैसे ही पीएन जंक्शन ब्रेक होता है, होल्स और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट शुरू हो जाते हैं, और होल और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट जैसे ही शुरू होते हैं, वहाँ से रिवर्स करंट देखने को मिलता है रिवर्स डायरेक्शन में। एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज जीनर इफेक्ट, और इसे ही हम लोग जीनर इफेक्ट कहते हैं। तो जीनर वोल्टेज भी होता है, जीनर इफेक्ट भी होता है, जीनर डायोड होता है। इसका मतलब जीनर डायोड में जीनर वोल्टेज देखने को मिलता है, और जीनर वोल्टेज के कारण जो कंडक्शन होता है रिवर्स डायरेक्शन, जो करंट फ्लो होता है, उसे जीनर इफेक्ट कहते हैं। तो जीनर वोल्टेज एक तरह का ऐसा वोल्टेज है जिस पर जीनर डायोड में करंट फ्लो होना रिवर्स डायरेक्शन में शुरू होता है, उस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं जीनर वोल्टेज, नी वोल्टेज, और इस सारे प्रोसेस को बोलते हैं जीनर इफेक्ट। अब देखिए किस तरह से रिवर्स बायसिंग में काम करता है। तो रिवर्स बायसिंग, जैसे मैंने बताया कि आपके पास जीनर डायोड है, उसमें हम लगातार वोल्टेज इंक्रीमेंट करते हैं, तो इसमें जो करंट फ्लो होता है रिवर्स डायरेक्शन में, वो दो केसेस होते हैं। पहला केस होता है एवलेंच ब्रेकडाउन वोल्टेज, और दूसरा होता है जीनर ब्रेकडाउन। तो दो सिचुएशन होते हैं, दो तरह के ब्रेकडाउन होते हैं, एक जीनर ब्रेकडाउन, एक एवलेंच ब्रेकडाउन। इन दोनों ब्रेकडाउन के कारण जीनर डायोड में करंट देखने को मिलता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एवलेंच ब्रेकडाउन इन द जीनर डायोड। एवलेंच ब्रेकडाउन क्या है ये देखिए, एवलेंच ब्रेकडाउन अकर्स बोथ इन द नॉर्मल डायोड एंड जीनर डायोड एट अ हाई रिवर्स वोल्टेज। जब किसी भी डायोड में, जीनर डायोड या तो नॉर्मल डायोड हो या फिर जीनर डायोड हो, किसी में भी एक जब रिवर्स वोल्टेज, एक हाई रिवर्स वोल्टेज हम सप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर कुछ मोमेंट देखने को मिलता है। वेन हाई वैल्यू ऑफ रिवर्स वोल्टेज अप्लाई इन ए पी एन जंक्शन, जो पी एन जंक्शन होते हैं सेमीकंडक्टर के, डायोड के जो पी एन जंक्शन होते हैं, वहाँ पर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेन सफिशियंट एनर्जी। पी एन जंक्शन जो ब्लॉकेज क्रिएट करता है, जो बैरियर क्रिएट करता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे सफिशियंट अमाउंट में एनर्जी मिल जाता है। क्यों? कि लगातार उसे हम क्या हाई वैल्यू ऑफ रिवर्स वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, हाई वोल्टेज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके कारण पीएन जंक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन को एक सफिशियंट अमाउंट में एनर्जी मिलता है, और उस एनर्जी के कारण उस इलेक्ट्रॉन्स में एक्सेलरेशन देखने को मिलता है एट हाई वेलोसिटी। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूविंग एट हाई वेलोसिटी, और वो जो इलेक्ट्रॉन है हाई वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू करता है, और जो बगल वाले आइटम है उसके साथ वो कोलाइड करता है, जब उसे टक्कर उसे लगता है, कोलाइड करता है एंड नॉक ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन, और जो बगल वाले आइटम को वो नॉक करता है, जब कोलाइड होता है, वहाँ से और भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं ड्यू टू कंटिन्यूस कोलिजन। और इस लगातार कोलिजन के कारण लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द डायोड रैपिडली इंक्रीजेज। और ये लगातार कोलिजन के कारण लार्ज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है, और जिसके फलस्वरूप क्या होता है, एक हेवी अमाउंट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट डायोड में देखने को मिलता है, जो कि ड्रास्टिकली चेंज होता है, ड्रास्टिकली इंक्रीज होता है। दिस सडन इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिक करंट में परमानेंटली डिस्ट्रॉय द नॉर्मल डायोड। और ये जो सडन चेंज होता है इलेक्ट्रिक करंट में, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि नॉर्मल डायोड को परमानेंटली वो डिस्ट्रॉय कर दे। तो जीनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर द एवलेंच ब्रेकडाउन। तो जीनर डायोड को इस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि वो क्या करे, एवलेंच ब्रेकडाउन पर अच्छे से काम कर सके और डायोड डिस्ट्रॉय नहीं हो, इसके लिए उसे हेविली डॉप्ट किया जाता है। एवलेंच ब्रेकडाउन अकर्स इन अ जीनर डायोड विथ अ जीनर वोल्टेज ग्रेटर देन 6 वोल्ट। इसका मतलब जो वोल्ट हम सप्लाई कर रहे थे, यदि
उस वोल्टेज का वैल्यू 6 वोल्ट से जैसे ही ज़्यादा होगा एवलेंच ब्रेकडाउन काम करना शुरू कर देता है और वहाँ पर करंट में रैपिड चेंजेस देखने को मिलता है, रैपिड इंक्रीमेंट देखने को मिलता है करंट में। एवलेंच ब्रेकडाउन हम लोग ने देखा, अब देखेंगे हम लोग जीनर ब्रेकडाउन इन डायोड, इन जीनर डायोड। व्हेन अप्लाइड रिवर्स बायस वोल्टेज रीचेज क्लोजर टू द जीनर डायोड, जब जो अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज है वो जीनर डायोड को जब बहुत पास पहुंचता है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो देखने को मिलता है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लेशन रीजन गेट्स स्ट्रॉन्गर एनफ टू पुल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर वैलेंस बैंड। तो जो पीएन जंक्शन पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें जो आइटम होते हैं, उसमें जो वैलेंस बैंड होते हैं, उस वैलेंस बॉन्ड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहीं ना कहीं वो पुल होता है, वो पुल किया जाता है इलेक्ट्रॉन्स को। मतलब क्या, यदि हाई इलेक्ट्रिक फील्ड को पीएन जंक्शन पे अप्लाई किया जाता है तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वहाँ पे जो आइटम होते हैं, आइटम के अंदर जो वैलेंस बैंड होते हैं, वैलेंस बैंड के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वहाँ से बाहर निकलता है विद द सफिशियंट एनर्जी फ्रॉम द स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डिप्लेशन रीजन ब्रेक फ्रॉम द पैरेंट आइटम। जो आइटम होते हैं पीएन जंक्शन में, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से निकलता है ड्यू टू द हाई वोल्टेज विद सर्टेन सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। उनके पास काफ़ी एनर्जी होता है और वो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं और तो अचानक से वहाँ फिर से क्या होता है, करंट देखने को मिलता है। तो एट अ जीनर ब्रेकडाउन रीजन द स्मॉल इंक्रीमेंट इन द वोल्टेज रीजन इन द रैपिड इंक्रीमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, और वहाँ से फिर इलेक्ट्रिक करंट देखने को मिलता है। तो जीनर ब्रेकडाउन कुछ इस तरह से काम करता है और जीनर ब्रेकडाउन में भी करंट में रैपिड चेंजेस देखने को मिलता है। तो एक एवलेंस ब्रेकडाउन था, एक जीनर ब्रेकडाउन है। जीनर ब्रेकडाउन में इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन में वाइब्रेशन होते हैं और इलेक्ट्रॉन में एनर्जी आता है और वो सफिशियंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से पीएन जंक्शन से निकलता है और इलेक्ट्रॉन में जैसे ही मूवमेंट आता है करंट फ्लो शुरू हो जाता है। जबकि एवलेंच में हमारा जो वोल्टेज जो लगातार इंक्रीमेंट हो रहा था वो वोल्टेज को, उस इलेक्ट्रॉन को सफिशियंट अमाउंट ऑफ जब वोल्टेज मिलता है तो उसमें एनर्जी आता है, वो एनर्जी के कारण वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड होता है और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, एवलेंच में काइनेटिक एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट हो रहा था, मूवमेंट आया था, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जीनर ब्रेकडाउन में इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट आता है और यहाँ पर करंट देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इसका एक आप VI करेक्टरिस्टिक देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा एक फॉरवर्ड करंट है, रिवर्स करंट का ये वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस, और ये जिस पे करंट है, और ये एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जिस पे हमारा वोल्टेज है। जिस तरह से हम ओरिजिन से या मूल बिंदु से यदि हम वोल्टेज बढ़ाना शुरू करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पॉइंट पर हमें जीनर ब्रेकडाउन एक वोल्टेज मिलता है, उस जीनर ब्रेकडाउन पर हमें एक करंट, सडन करंट चेंज देखने को मिलता है। सिमिलरली जब उसी वोल्टेज को थोड़ा सा हम और आगे जाते हैं तो आप देखिए यहाँ पर एक और ब्रेकडाउन हमें मिलता है, इसे एवलेंच ब्रेकडाउन देखने को कहते हैं। यहाँ फिर से करंट इंक्रीमेंट करंट में देखने को मिलता है। तो दो तरह से हमें रिवर्स करंट यहाँ मिल रहा है, एक जीनर ब्रेकडाउन के कारण रिवर्स डायरेक्शन में करंट मिलता है और एक एवलेंच ब्रेकडाउन के कारण हमें रिवर्स करंट देखने को मिलता है। तो एवलेंच में जो होता है वो 6 वोल्ट के एवब जब वोल्टेज दिया जाता है, तो एवलेंच ब्रेकडाउन जहाँ पर हमें रिवर्स करंट मिलता है, और जीनर ब्रेकडाउन 5.6 वोल्ट जब अप्लाई किया जाता है, 5.6 वोल्ट के अप्रॉक्स जब वोल्टेज आता है तो वहाँ जीनर ब्रेकडाउन मिलता है, जहाँ हमें रिवर्स करंट दोनों सिचुएशन में रिवर्स करंट देखने को मिलता है। तो ये था VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीनर डायोड जो कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही वोल्टेज हम इंक्रीमेंट किए तो एक पॉइंट आया, इसे जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, और जैसे ही थोड़ा आगे गए फिर से एवलेंच ब्रेकडाउन वोल्टेज मिलता है। तो कहीं कहीं आप देखिए वोल्टेज एक तरह से कहीं कहीं कॉन्स्टेंट है,
यहाँ पर वोल्टेज लगभग कांस्टेंट हो जाता है, इसलिए इस कांस्टेंट वोल्टेज के कारण इसे हम यूज करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर में। तो जिनर डायोड का बेसिकली जो यूज होता है वो बेसिकली हम लोग करते हैं, हमारा इसका यूज जो होता है वो होता है वोल्टेज रेगुलेटर में, वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए जिनर डायोड का हम यूज करते हैं। एंड जिनर डायोड इज ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए जिनर डायोड का यूज किया था, और जिनर डायोड का यूज किया था क्लिपिंग सर्किट में किया था, किसी सर्किट के क्लिपिंग प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में भी हम लोग जिनर डायोड यूज करते हैं। तो इस तरह से जिनर डायोड का यूज किया जाता है।